वेलकम टू फ्राइडे फैक्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द टेक प्रो यूट्यूब चैनल। दोस्तों सैमसंग जो है ना वो स्मार्टफोन में भी नंबर वन है, टीवी में भी नंबर वन है और इसका जो नया सैमसंग गैलेक्सी S20 है ना वो हर मामले में नंबर वन है। लेकिन दोस्तों इन सैमसंग के बारे में कुछ नया और अमेजिंग बातें हैं ना जिनके बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम यही जानते हैं सैमसंग के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सैमसंग के बारे में कुछ अमेजिंग और रोचक बातें। एक बार सैमसंग को किसी ने एक लेटर लिखा था और उसमें एक ड्राइंग भेजी थी और बदले में उन्होंने सैमसंग का एक नया फोन मांगा था और उस टाइम सैमसंग ने भी बहुत बड़ा दयालु निकला और उस बंदे को सैमसंग गैलेक्सी S3 भेज दिया। जी हाँ दोस्तों सैमसंग ने उस बंदे को एक नया सैमसंग गैलेक्सी S3 दिया और दोस्तों सैमसंग ने उस फोन के पीछे वही ड्राइंग प्रिंट कर दिया। लेकिन दोस्तों ये जो चीज है ना वो अभी के समय में काम नहीं करती, आप ट्राई करके देख लो। दोस्तों 2004 में सैमसंग के पास एक ऑफर था एंड्रॉइड को खरीदने का, लेकिन सैमसंग ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और बाद में गूगल ने उसे खरीद लिया। सैमसंग जब शुरू हुई थे ना उस समय उसमें सिर्फ 40 लोग काम करते थे और जो वो लोग थे ना उसमें ग्रोसरी और नूडल्स वगैरह बेचा करते थे। जी हाँ दोस्तों सैमसंग पहले टेक्निकल कंपनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों आज के समय में सैमसंग के पास एक मिलिट्री डिपार्टमेंट भी है जो कि फाइटर जेट, टैंक, हेलीकॉप्टर और काफी ज्यादा मिलिट्री के सामान बनाया करते हैं और साउथ कोरिया के मिलिट्री को काफी ज्यादा हथियार सप्लाई करते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पर एप्पल को देखा जाए तो एप्पल अपने आईफोन में रेटिना डिस्प्ले प्रोवाइड करता है और वो रेटिना डिस्प्ले सैमसंग का होता है। दोस्तों हम आपको बता दें सैमसंग जितना अपने फोन को बेचकर नहीं कमाती उतना एप्पल के आईफोन से कमा लेती है, क्योंकि एप्पल के जो आईफोन का डिस्प्ले होता है ना वो सैमसंग बनाती है। यहाँ तक कि सैमसंग काफी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बनाते हैं जिन्हें एप्पल अपने फोन में यूज क्या करती है। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो एप्पल से भी काफी ज्यादा पैसे कमाती है सैमसंग, यानी एप्पल का आईफोन बिकेगा तो ओवरऑल सैमसंग का भी फायदा होने वाला है। और दोस्तों आज के समय में सैमसंग के अंदर 480,000 लोग काम करते हैं और दोस्तों इसका जो रेवेन्यू है ना वो साउथ कोरिया के 17% GDP के बराबर है। 2012 में एप्पल ने एक बार सैमसंग के ऊपर केस ठोक दिया था और उन्होंने केस इसलिए ठोका था कि एप्पल को लगता था कि सैमसंग ने हमारे आईफोन से कॉपी करता है, लेकिन वो जो केस थी ना वो एप्पल हार गई। और दोस्तों बाद में एप्पल के हर एक एडवर्टाइजमेंट के नीचे ये लिखना पड़ा कि सैमसंग दोषी नहीं है। क्या दोस्तों आपको पता है कि सैमसंग के फोन में FM रेडियो का भी फीचर होता है, लेकिन सैमसंग उसे जानबूझकर डिजेबल रखती है और सैमसंग उसे डिजेबल इसलिए रखता है कि सैमसंग चाहता है कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा डेटा का यूज कर पाए जिससे सैमसंग का काफी ज्यादा फायदा होता है। और तो और दोस्तों सैमसंग जो था ना वो मेन कॉन्ट्रैक्टर था बुर्ज खलीफा का। और तो और दोस्तों जो दुनिया का पहला 3G कॉल किया गया था ना माउंट एवरेस्ट से वो सैमसंग के फोन से ही किया गया था। वहीं पर सैमसंग और एप्पल की लड़ाई में एक बार सैमसंग ने भी एप्पल के ऊपर मुकदमा ठोक दिया था और इसका मेन कारण था स्माइली इमोजी, क्योंकि सैमसंग कहता था कि हमने स्माइली इमोजी को लेकर आया था। और दोस्तों अगर बात करें सैमसंग का एक साल का मार्केट बजट कितना होता है तो वो होता है $14 बिलियन। जी हाँ दोस्तों $14 बिलियन। और क्या आपको पता है कि सैमसंग गैलेक्सी S5 ऐसा फोन था जिसको रूट करना इतना मुश्किल था कि जिसने भी सैमसंग गैलेक्सी S5 को रूट कर दिखाएगा उसको $80,000 का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों जब रियो ओलंपिक हुआ था तो उस समय सैमसंग गैलेक्सी S7 हर एक प्लेयर को दिया था जितने प्लेयर वहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है जब नॉर्थ कोरिया की टीम को सैमसंग गैलेक्सी S7 दिए गए तो दोस्तों वहाँ के गवर्नमेंट ने सारे सैमसंग गैलेक्सी S7 ले लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि साउथ कोरिया का सामान नॉर्थ कोरिया वाले इस्तेमाल करे। 1995 में सैमसंग के जो CEO थे ना वो काफी ज्यादा परेशान हो गए अपने लो क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए, तो उन्होंने ऐसा किया कि सैमसंग के जितने भी लो क्वालिटी के प्रोडक्ट थे वो सारे को इकट्ठा करके एक जगह आग लगा दिए। जी हाँ दोस्तों सारे लो क्वालिटी प्रोडक्ट को इकट्ठा कर आग लगा दिए। जी हाँ दोस्तों इस आग में $50 मिलियन के प्रोडक्ट को एक ही झटके में सुहा कर दिया। तो दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि वो क्वालिटी को कितना ज्यादा प्रेफर करते हैं। 2014 में सैमसंग ने USA के अंदर 4,952 पेटेंट को फाइल किया था। ये एक एवरेज है कि वो हर दिन 13.5 पेटेंट फाइल कर रहे हैं। और तो और दोस्तों सैमसंग जो है ना वो साउथ कोरिया की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी है। यहाँ तक कि दोस्तों साउथ कोरिया में सैमसंग कार्ड के नाम से भी उस क्रेडिट कार्ड को जाना जाता है। सियोल के अंदर सैमसंग का इतना बड़ा ऑफिस पार्क है कि उसे सैमसंग पार्क ही कहा जाता है। सैमसंग कंपनी वो 1938 में फाउंड हुई थी, यानी एप्पल कंपनी से एग्जैक्टली 38 साल पहले। और दोस्तों जो सैमसंग है ना वो दुनिया की पहली 8K टीवी मार्केट में अवेलेबल किया था। जी हाँ दोस्तों कमर्शियली अवेलेबल करने वाला 8K टीवी सैमसंग ही है। और तो और दोस्तों दुनिया का पहला ग्लोबली फोल्डिंग फोन सैमसंग ही लेकर आया था, लेकिन वो सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की तरह फटा नहीं, लेकिन उसमें स्क्रीन डैमेज हो गया और बाद में उसे रिसॉल्व करके रीलॉन्च कर दिया गया। और दोस्तों अभी तक उसकी 4 लाख से ज्यादा यूनिट बेची जा चुकी है। और देखा जाए तो अगली जनरेशन का जो फोल्डिंग फोन है ना वो भी सैमसंग ला चुकी है और वो है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip, जिसकी खास बात यह है कि उसके अंदर आप लोगों को फोल्डिंग ग्लास की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, यानी ऐसा ग्लास जिसे आप फोल्ड कर सकते हैं। और अगर दोस्तों वहीं पर बात करें सैमसंग गैलेक्सी S20 के बारे में तो वो पहले ऐसे फोन है जिसमें 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी 24 FPS पे। और तो और दोस्तों सैमसंग जो है ना वो दुनिया के बेस्ट स्मार्टफोन डिस्प्ले बनाती है और बेस्टों में बेस्ट जो डिस्प्ले है ना वो
अपने फोन के लिए बचा कर रखती है। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट क्वालिटी की जो डिस्प्ले होती है ना, वो अपने फोन के लिए ही बचा कर रखती है। जी हाँ दोस्तों, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है सैमसंग गैलेक्सी S20, जिसमें आप लोगों को दुनिया का सबसे अच्छा डिस्प्ले मिलता है। क्वाड HD रेजुलेशन है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। और तो और सैमसंग का प्लानिंग चल रहा है कि 2021 के अंदर दुनिया का पहला ग्राफीन बैटरी को लॉन्च करे। और तो और दोस्तों, सैमसंग दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी थी जिन्होंने पहला 5G स्मार्टफोन लेकर आया था। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S10 5G दुनिया का पहला 5G फोन था। और दोस्तों, सैमसंग का जो होम कंट्री है वो दुनिया का पहला ऐसा कंट्री है जिसमें 5G का नेटवर्क देखने को मिला था। यानी अमेरिका से पहले वो अपने देश के अंदर ही 5G फोन को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो दोस्तों, ये थे सैमसंग के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। वैसे दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि इस वीडियो में सैमसंग के कितने फैक्ट्स बताए गए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा सैमसंग के बारे में, वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कुछ ऐसी चीज जो सैमसंग के बारे में हम नहीं बताए और आप जानते हो, तो वो भी बात नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले सैमसंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।